वेलकम बैक खकेन तो न्यू वीडियो। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बेसिकली अगर आप एयरपॉड लेने की प्लानिंग में हो तो जस्ट होल्ड ऑन इसलिए कह रहा हूँ मैं बिकॉज हाँ काफी टाइम से रूमर्स मार्केट में आ रहे हैं कि एयरपॉड आने वाले हैं लेकिन डिले होते जा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई बिकॉज यहाँ पे एप्पल हर बार कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देता है, बट इस बार एयरपॉड्स 3 की पूरी कंफर्मेशन आ गई है, लीक्स आ गई है मार्केट में बिल्कुल भर के, मतलब वेबसाइट पूरी भरी हुई है और यहाँ पे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी मतलब अगले एक आध महीने में आपको एयरपॉड 3 देखने को मिल जाए। अब यहाँ पे आप अभी भी जाके अगर एयरपॉड 2 या प्रो खरीदते हो तो भाई यहाँ पे आपका लॉस है। रीजन बीइंग मॉडल पुराना है, टेक्नोलॉजी पुरानी है और फील पुरानी है। वैसे यहाँ पे एक्चुअली जो नेट पे लीक्स हैं सारी वेबसाइट पे उनको मैं समराइज करके देखूं कि एयरपॉड 3 कैसे होने वाले हैं। वेल जो मैं करेंटली अभी यूज कर रहा हूँ एयरपॉड 2 मेरे हाथ में है यहाँ पे लगे हुए, तो अगर आप एयरपॉड 2 और 3 के बारे में जानते हैं या यूज किया तो हाँ भाई इन दोनों का कंपाइलेशन होगा, वो मतलब दोनों के बीच का सैंडविच है। ठीक है, अभी सैंडविच बनी कैसे है वो देख लेते हैं। एयरपॉड 2 से कुछ फीचर निकाले गए हैं, 3 से कुछ फीचर निकाले गए हैं, दोनों को मिलाया गया है और यहाँ पे एक प्राइस के अंदर जो कि अफोर्डेबल कैटेगरी के अंदर आ जाता है। वैसे एप्पल में कुछ अफोर्डेबल कैटेगरी नाम की चीज नहीं है, बट वेल मेरे हाथ में एयरपॉड 2 है, यहाँ पे बहुत दूर है, आपको पास ला के दिखाता हूँ। यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है एयरपॉड 2 में और प्रो में वो था लुक एंड फील का। अपार्ट फ्रॉम इंटरनल फीचर उनकी जो लेंथ थी वो छोटी थी, उसके अलावा जो ईयर पीस था उसका वो भी अलग डायमेंशन का था। यहाँ पे एयरपॉड 3 में ये रूमर्स आ रहे हैं कि वो इन दोनों का हाइब्रिड होगा, मतलब कि उसको आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, उसके अलावा यहाँ पे सिलिकॉन रबर भी होगा उसके साथ भी यूज कर सकते हो। तो क्या बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है एयरपॉड प्रो में, बहुत लोगों को एयरपॉड 2 में प्रॉब्लम आती है, किसी के कान में सेट होते हैं नहीं होते, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन मैच होकर आ रहे हैं सैंडविच बनकर बिल्कुल दोनों तरीके से, मतलब जैसे आपके कान में बेस्ट फिटिंग आए उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये तो होगी लुक एंड फील की, लेकिन बात कर ले इंटरनल फीचर्स की तो यहाँ पे रूमर्स है कि एप्पल एक नए चिप पे काम कर रहा है जिसका नाम होगा U1, उसकी बैटरी लाइफ को इंक्रीज करेगी और यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन टाइप के फीचर्स को भी एनहेंस करेगी। सैडली इस प्राइस पॉइंट में अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और इसके साथ वाटर एंड डस्ट प्रूफ भी मिल जाए तो शायद यहाँ पे आपको एयरपॉड 3 में ये देखने को ना मिले बिकॉज उसकी वजह से प्राइसिंग बहुत हाई चली जाती है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें अगर साउंड क्वालिटी की तो यहाँ पे कुछ बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी करके एप्पल यहाँ पे नई चीज लाने वाला है इसके अंदर, जिसकी वजह से जो साउंड क्वालिटी है काफी आपको एनहेंस होकर मिलेगी। आखिरी में बात करें अगर कंट्रोल्स की तो भाई यहाँ पे एयरपॉड 2 में टैप वाले थे, सिंगल टैप डबल टैप, उसके वजह से आप चीजों को कंट्रोल कर पाते थे, लेकिन बात करें प्रो में ऐसा नहीं होता था। प्रो में बेसिकली जो फीचर थे वो थे टच वाले, तो टैप और टच जो था वो दोनों को डिफरेंशिएट करता था। यहाँ पे एयरपॉड 3 में आपको एयरपॉड प्रो से टच वाले फीचर्स भी मिलने की पूरी उम्मीद है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन है, मतलब कि यहाँ पे नॉइज कैंसिलेशन होगा लेकिन एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन नहीं होगा, यहाँ पे टच कंट्रोल्स होंगे, जो आपके ईयरबड होंगे मतलब जो कान में आप इंसर्ट करते हैं वहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, या तो डायरेक्ट लगा सकते हो या फिर यहाँ पे सिलिकॉन जो उसके टिप्स होते हैं उसके साथ भी आप लगा सकते हो, तो बेटर फिटिंग्स के साथ आएंगे, बेटर बैटरी लाइफ आएगी U1 चिप के साथ और यहाँ पे बोन टेक्नोलॉजी जो आएगी साउंड की वो भी इसको काफी एनहेंस कर सकती है। तो ये सारी कंपाइलेशन करके एयरपॉड 3 आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, तो फिर अब आप डिसाइड कर सकते हो एयरपॉड 2, एयरपॉड प्रो या एयरपॉड 3। सो दैट्स ऑल अबाउट एयरपॉड 3 एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको लगता है कुछ और नई चीज आएगी यहाँ पे इसके अलावा तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करो। आगे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।